बारिश के बाद एक बार फिर कुंदा नदी का सफाई अभियान प्रशासन और नगरपालिका ने जोर शोर से शुरू किया है। पिछले कुछ सालों से निरंतर कुंदा सौंदर्यीकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद यहां कूड़े करकट जल कुंभी से कुंदा की तस्वीर सफाई अभियान की तस्वीर बयान करने लगती है। हालांकि रविवार से शुरू हुए अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिला और यह जन आंदोलन के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। सुबह से ही अफसर कुंदा तट पर पहुंच गए। इसमें शहरवासियों ने भी उत्साह से भाग लिया। सांसद गजेंद्र पटेल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगरपालिका सहित अन्य जनप्रतिनिधि और नगरपालिका अमला आदि हाथों में तगारी फावड़ा लेकर नदी में उतरे और श्रमदान किया। कुंदा नदी में बड़ी मात्रा में बेतरतीब जमा हुई जलकुंभी की सफाई की गई। कलेक्टर सांसद ने बताया यह अभियान 3 माह तक चलेगा, जिसमें जेसीबी मशीनों की मदद से गाद, कचरा, मिट्टी सहित रेत पत्थर निकालकर गहरीकरण किया जाएगा। यहां से निकलने वाला खनिज रॉयल्टी के साथ बेचा जाएगा, जबकि मिट्टी किसानों और ईंट निर्माण के लिए निशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार कुंदा की तस्वीर अलग नजर आएगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। उसके लिए शासन के पृथक से हमें अनुदान नहीं मिलता है, इस वजह से इस कार्य को जन सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ से जो सिल्ट गाद निकलेगा, काली मिट्टी निकलेगी, वो लोगों को मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध होगी, जिसको लोग अपने खेतों में, गार्डन में उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से अगर कोई खनिज निकलता है तो उसकी परमिशन माइनिंग विभाग से होके, रॉयल्टी दे होके उसकी उपयोग में लिया जा सकता है। इसी के साथ अमृत 2 में आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी। अमृत 2 मिशन हमारा इस नदी के लिए सैंक्शन हो गया है। अमृत 2 का जो कंपोनेंट इसमें लिए गए हैं, उसमें स्टोन पिचिंग का कार्य लिया गया है, जो कि 1500 मीटर हमारे कुंदा नदी के 1500 मीटर स्ट्रेच जो कि शहर में आता है, इसमें स्टोन पिचिंग का कार्य, रेलिंग का कार्य और प्लांटेशन का कार्य, ये कार्य दोनों तरफ नदी के ये लिया गया है अमृत 2 में, जो कि हमारी योजना सैंक्शन हो गई है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। इसी के साथ मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आपका आह्वान आज से सफाई अभियान शुरू किया है। ये सफाई अभियान 3 महीने तक चलेगा और इसकी गहरीकरण पहले भी अपन ने सफाई की है। जनप्रतिनिधि होने के नाते पहले भी बहुत सी संस्थाएं आई और सफाई की है, लेकिन इस बार की सफाई जो है वो मशीनरी से भी होगी और ये जो गाद वगैरह जो है ये निकाल के और जो भी मतलब निःशुल्क दी जाएगी, जो जिनको खेतों में डालना है खेतों में डालना है, जिनको मतलब ये ईंट भट्टे वाले जो हैं कुम्हार उनको चाहिए उनको भी हम आज विज्ञप्ति निकाल के उनको बता देंगे कि ये गाद ले जा सकते हैं। खरगोन की पहचान नवग्रह के नगरी के नाम से होती है और उसी के नवग्रह के नगरी के पास नाम से होती है और नवग्रह मंदिर के पास से कुंदा बह रही है और कुंदा का जो स्वरूप है आप भी देखा। इसके अलावा अब जो है इसको जो स्वरूप लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने? हम लोग तो काफ़ी प्रयास पहले भी कर रहे थे, आज भी करते हैं, लेकिन हमारा एक विचार है कि यदि हमारी खरगोन की एक कुंदा रहे, मतलब हम उसको मानते हैं और उसका गहरीकरण और शुद्धिकरण हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि अगले इसमें यहाँ पर ही मेला लगाएं और यहीं पर नाव चलाएं। हमारा यही विचार है और तो हमेशा यही रहेगा। और मैं अपने यहाँ की जितनी भी संस्थाएं उनसे भी निवेदन करूँगी कि इस सहयोग में हमारा सबका सहयोग दें, हमारी नगर पालिका का, ताकि हम सब मिल के काम करें और हमारी कुंदा को जीवनदायिनी बना कर और यहाँ नाव पे बच्चे बैठे और हम सोचें कि अपना जो शहर है इसी से नवग्रह की नगरी के से माना जाता है, तो एक ऐसा रहेगा कि कुंदा नदी वहाँ पर बह रही है। और गाँव को कुंदा प्रदूषण को लेकर हर साल अभियान चलता है, लेकिन मूल रूप नहीं लिया, इस बार किस प्रकार का संकल्प लिया गया? देखिए, शहर के लोगों से जब भी मेरी चर्चा होती थी, प्रबुद्धजनों से, आप सब से या अन्य नागरिकों से भी, तो सबके मन में कुंदा के प्रति एक बड़ी वाजिब चिंता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इसको एक अभियान के रूप में लें और कुंदा नदी की गंदगी को साफ़ करें, डिसिल्टिंग करें, और उसके बाद जिससे कि नदी का गहरीकरण हो और हम इस स्थिति में रहें कि साल भर इसमें पानी रहे, इसी के लिए आज एक शुरुआत है। ये अभियान हमारा मिनिमम 3 महीने चलेगा, 31 मार्च तक, और जिसमें जन सहयोग से सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, प्रजापति समाज के लोगों को जोड़कर, किसान बंधुओं को जोड़कर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि मिट्टी और गाज जिसको निकालना हो उसको खोदे और निकाल के ले जाए, लेकिन ये सारा काम एक टेक्निकल सुपरविजन में होगा कि नदी का जो स्वरूप है वो बरकरार रहे। साथ ही साथ मशीनों से भी हम काम करेंगे
और लक्ष्य यह है कि गाद निकल जाए रेत के रूप में। नदी की पहचान रेत से होती है, जो प्रवाहमान नदी होती है उसमें रेत होता है, तो रेत बनी रहे और जिससे कि पानी का प्रवाह हो। अभी 14 तारीख को खरगोन का गौरव दिवस है, तो ये काम अगले 4-6 दिन थोड़ा रुक सकता है, क्योंकि नदी में पानी को लाना है जिससे कि बोटिंग और बाकी चीज़ें हो सके। लेकिन 17-18 से हमारा कार्यक्रम फुल फ्लेज चालू रहेगा, जो 31 मार्च तक चलेगा। सर, शहर स्वच्छता के मामले में काफ़ी पिछड़ी हो गया है, पहले नंबर 1 की पायदान पर लगभग था। देखिए, स्वच्छता जो है वो सतत प्रक्रिया है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है, सारे शहर काम कर रहे हैं, और इस शहर के सामने एक चुनौती भी है कि इस रैंक को बरकरार रखना चाहिए। निश्चित तौर पर नगर पालिका इस पर मेहनत कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बेहतर करेंगे। खरगोन शहर वो काफ़ी पीछे हो गए हैं, मुझे लगता है कि नई नवगठित नगर परिषद बनी है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, उस परिषद ने भी संकल्प लिया है कि खरगोन शहर स्वच्छ बने, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। उसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है, परिषद की एक टीम भी बन रही है जिसमें छाया दीदी ने बताया कि एक नगर परिषद की टीम बनेगी स्वच्छता को लेकर भी और कुंदा नदी को लेकर भी। तो जिस कारण से हम पीछे रहे हैं उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो, समाज का इन्वॉल्वमेंट हो, जनता का इन्वॉल्वमेंट हो, समाज के इन्वॉल्वमेंट के साथ में हम खरगोन शहर स्वच्छ रहे सबकी इच्छा है, और इसलिए सभी पार्षद और जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मुझे लगता है खरगोन शहर वापस अपनी जो स्थिति थी उससे अच्छी बेहतर स्थिति में बनेगा। नर्मदा का जल अभी तक खरगोन वासियों को नहीं मिल पाया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2-2.5 साल कोरोना के रहे, कोरोना काल कारण सभी शासकीय प्रशासनिक अपने काम रुके थे, काम स्लो हो गया था, तुरंत गति से बढ़ा है। उसकी समीक्षा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी करी है, उन्होंने कहा है कि जनवरी फरवरी तक कहीं वो लोकार्पण, इस जितनी परियोजनाएं चल रही जिसके कारण से खेतों में और लोगों को मिलने वाला पानी उनको मिले, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उसमें सुधार हो रहा। अभी हमारे जिलाधीश जी को भी हमने बोला था, कलेक्टर साहब को, उन्होंने समीक्षा बैठक भी करी है जो जो मुख्यमंत्री जी बोला है, तो जल्दी जल्दी पानी पहुँचे उसकी समीक्षा की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में काम गति से बढ़ेगा, फिर पानी लोगों को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।